दोस्तों आज मैं आपको भगवान बिरसा मुंडा के बारे में बताऊंगा। बिरसा मुंडा जिनके बारे में कहा जाता है कि एक बार इनके ऊपर बिजली गिरती है, इन्हें अद्भुत शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं और उसके बाद से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन इतना जोर पकड़ लेता है कि लोग इन्हें भगवान कहने लगते हैं। आज पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, योगी आदित्यनाथ हो, चंद्रशेखर हो, कोई भी, हर आदमी बिरसा मुंडा के आगे भगवान लगाता है। पूरा झारखंड ही नहीं, पूरा देश, हर जगह जब बिरसा मुंडा का नाम लिया जाता है तो उसके पीछे भगवान लगाया जाता है। क्या है एक 25 साल के आम इंसान से भगवान बनने की कहानी, जिसे अद्भुत शक्तियां प्राप्त थी, जिन्होंने अपना धर्म भी बनाया था। आज मैं उन्हीं बिरसा मुंडा के बारे में बताऊंगा। उन्हें इस धरती पर आए, अगर वो जीवित रहते तो अब तक 150 साल हो जाते, लगभग 150वीं जयंती अब उनकी मनाई जा रही है। लोग हर जगह उनके बारे में योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री, झारखंड में इस समय चुनाव है तो झारखंड के मुख्यमंत्री भी इनकी बात कर रहे हैं। झारखंड बगैर इनके नाम के कुछ नहीं है, नाम से एयरपोर्ट, संसद भवन में बड़ी सी मूर्ति। तो कौन है बिरसा मुंडा, वही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक आम इंसान के पास इतनी शक्तियां कहां से आ गई कि वो भगवान बनते हैं। तो सबसे पहले जीवन परिचय से शुरुआत करते हैं, कौन है बिरसा मुंडा। 15 नवंबर 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म होता है। उस समय जब जन्म होता है तो रांची जिला होता है और अलीहातू जगह होती है, बंगाल प्रेसिडेंसी उस समय कहा जाता है, लेकिन अब वो जिला खूंटी हो गया है और वो झारखंड में आ चुका है। इनकी माता का नाम करमी मुंडा था और पिता का नाम सुगान मुंडा था। इनका जन्म किसान परिवार में हुआ था, लेकिन पढ़ाई करने के लिए माता पिता ने इन्हें मिशनरी स्कूल में भेजा। उस समय झारखंड आदिवासियों का क्षेत्र था, आज भी है, और आदिवासियों के क्षेत्र में पढ़ने लिखने का कितना प्रचलन था ये आप आज के समय से अगर कल्पना करें तो उस समय आप समझ सकते होंगे कि कितना कम रहा होगा। लेकिन फिर भी कुछ आदिवासी परिवार अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन कोई ऐसा स्कूल नहीं था जहां पर उन्हें पढ़ाया जा सके। मिशनरी स्कूल में पढ़ाया जाता था और वो क्रिश्चियन लोगों का स्कूल हुआ करता था। उस समय भारत में क्रिश्चियन के आगमन के समय एक बहुत बड़े विचारक कहते हैं कि अंग्रेज, यानी जब क्रिश्चियन भारत आए थे तो उनके हाथ में सिर्फ बाइबल थी, जमीन नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन जब लोगों ने बाइबल ले लिया तो अंग्रेजों के पास जमीन थी और लोगों के हाथ में बाइबल था। तो इससे समझिए कि अंग्रेज कितने शातिराना ढंग से भारत में पहुंचे थे और उन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था को ही सबसे पहले चोट पहुंचाया था। उस समय अगर आपको स्कूल में दाखिला लेना था तो आपको क्रिश्चियन बनना पड़ता था। वही हुआ बिरसा मुंडा के साथ। उस समय ईसाइयत के स्कूल में, उस स्कूल में जब बिरसा मुंडा ने पढ़ाई करने जब गए तो उसके बाद से उन्हें ईसाई बनना पड़ा और वो पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन कुछ दिन बाद ईसाई धर्म थोपे जाने के बाद और बहुत सादे ईसाई मशीनरी को फॉलो करवाने की वजह से बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया और स्कूल छोड़ दिया और उसके बाद से लोगों के बीच में आने लगे और समझाने लगे कि ईसाई बनाने के बाद ये विभिन्न आडंबरों को बताते हैं, ईसा मसीह के ऐसे उपदेशों को बताते हैं जिसका बाइबल में भी नामो निशान नहीं है। ये सब बातें वो करे और अपने आदिवासी समाज के बीच में आ गए। अब मैं आपको बताता हूं भगवान बनने की कहानी, कैसे बने थे बिरसा भगवान। इसके पीछे दो लॉजिक दिए जाते हैं, दो लॉजिक। लॉजिक नंबर एक आपको बताता हूं कि नवंबर 1897 में बिरसा मुंडा को 2 साल 12 दिन जेल में बिताने के बाद छोड़ा गया। उनके दो साथियों को भी उनके साथ छोड़ा गया, एक का नाम था डोंका मुंडा और दूसरे का नाम था मझिया मुंडा। इन दोनों लोगों को छोड़ा जा रहा था। जब जेल से बाहर निकल रहे थे तो रियायत के अनुसार, रिवाज के अनुसार, जेल जब में व्यक्ति जब कोई जाता है तो उसके साथ जो भी सामान रहता है वो बाहर रखवा लिया जाता है। ये अंग्रेजों से परंपरा चलती आ रही है और अभी भी चलती है। और जब जेल से वो आदमी वापस जाता है तो उसको वो सामान वापस दे दिया जाता है। तब उस समय जेल के क्लर्क ने रिहाई के कागजात दिए और जो कपड़े थे दिए, लेकिन उस कपड़ों में से चप्पल को और पगड़ी को
हूं, दो चीजों को हटा लिया। अब हटाने के बाद वो जब बिरसा ने कहा कि ये क्यों हटाया गया, तो उन्होंने उस समय कहा कि जेल में जो पगड़ी पहनने का और चप्पल पहनने का अधिकार है वो सिर्फ ब्राह्मण और जमींदार और साहूकारों को है। बिरसा मुंडा इसका विरोध करते, चूंकि तुरंत जेल से छूटे थे, बाहर 25 लोग उनके स्वागत के लिए मौजूद थे फूलमाला लेके, तभी उनके साथियों ने उन्हें इशारा किया, रुक जाइए, ऐसा मत करिए। उसके बाद बिरसा मुंडा ने जब बाहर निकले तो लोग उन्हें देखते ही बिरसा भगवान की जय ये नारा लगाने लगे। जब जेल से छूटे, 25 लोग ही बाहर थे बस, और वो बिरसा भगवान की जय का नारा लगाने लगे। ये पहला नारा था जब बिरसा के आगे भगवान शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन उसी समय बिरसा मुंडा ने इसे टोका, कहा नहीं, हम सब समान हैं और हम में से कोई भगवान नहीं है। लेकिन तभी उनके दोस्त जिनका नाम भरमी था, उन्होंने कहा चलिए आपको हम भगवान नहीं कह सकते, लेकिन अब हम आपको नए नाम से पुकारेंगे, धरती आबा। आपने जेल में इतनी बड़ी सजा काटी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आदिवासियों को इकट्ठा कर रहे हैं, और इसी कारण आपको अब हम धरती आबा कहेंगे। तो ये पहला लॉजिक था बिरसा मुंडा का भगवान बनने का, जो इतिहासकार देते हैं। लॉजिक नंबर दो, ये एक कहानी के रूप में लाया जाता है, लॉजिक नंबर दो, जिसे किंवदंती भी कहते हैं, कि बारिश का मौसम था, अपने दोस्त के साथ बिरसा जा रहे थे, उसी समय उन पर बिजली गिर जाती है उन दोनों लोगों के ऊपर, लेकिन बिरसा का शरीर लाल पड़ जाता है, गोरा पड़ जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो सांवले दिखने लगते हैं। लेकिन उसके बाद उनके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का उदय होता है और वो बहुत ज्यादा शार्प हो जाते हैं, उनके अंदर एक ऐसी बुद्धिमता उत्पन्न होती है जो आम आदिवासियों में नहीं थी, और वो सबका नेतृत्व करने लगते हैं। और यही लॉजिक नंबर दो माना जाता है बिरसा मुंडा से भगवान बनने की कहानी। अब हम बिरसा मुंडा के आंदोलन को समझेंगे, और इस आंदोलन को समझने के बाद आपको लगने लगेगा कि जब 20-21 साल का लड़का इतना बड़ा नेतृत्व कर सकता है, अंग्रेजी सेना के तोप वाले सैनिकों को भगा सकता है, डरा सकता है, तो उसे भगवान क्यों ना कहा जाए, और वो भगवान क्यों नहीं है। खैर, अलग धर्म भी बना था, उस पे अलग से, उसको बिरसैत कहते हैं, जो इनकी ये पंथ है, धर्म भी माना जाता है, झारखंड में इस धर्म के लोग भी होते हैं। उस पे किसी दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा, बिरसैत, जो बिरसा मुंडा के साथ लोग रहते थे उनको बिरसैत कहा जाने लगा। उस पंथ के लोग अभी भी हैं और झारखंड में मिल जाते हैं, और इनकी संख्या कम है, क्योंकि इसमें, इस धर्म में बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन थे, बहुत ज्यादा चीजें फॉलो की जाती थी जो आम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इनकी संख्या अभी भी है, ठीक ठाक है, लेकिन उस पर किसी दिन और हम चर्चा कर लेंगे। बिरसा मुंडा के आंदोलन को हम समझते हैं, और इस आंदोलन को समझने के लिए आपको बिरसा मुंडा के जीवन काल को समझना चाहिए। जीवन काल सिर्फ 25 साल का, और 25 साल में जब 18-19 साल के बिरसा हुए थे, तब से उन्हें पता चलने लग गया था कि हमारा शोषण हो रहा है और हमारे ऊपर अंग्रेजी हुकूमत जो है वो राज करना चाहती थी। आपको बता दूं, आज भी और उस समय भी झारखंड जो है वो खनिज संपदाओं से लदा हुआ क्षेत्र था, हर व्यक्ति की आज भी वहां नजर रहती है, और उस समय अंग्रेजों की नजर थी। अंग्रेज झारखंड में पहुंच चुके थे, लेकिन झारखंड में वनवासी या आदिवासी जिन्हें कहते हैं, वो जल जंगल जमीन तीनों के सहारे ही रहते, तो जंगलों में रहते थे, जंगलों में शिकार करना, जंगलों के पेड़ पौधे से उगने वाले फल को खाना, खेती करना, ये उनका जीवनचर्या थी, और ये बहुत अच्छा चल रहा था। वो जंगलों में किसी पेड़ को हाथ नहीं लगाने देते थे, किसी बाहरी व्यक्ति को, किसी खनिज संपदा को खोदने नहीं देते थे, उसी जंगल को वो अपना कुल देवता, भगवान, सब कुछ मानते थे। वो ऐसा मानते थे कि अगर जंगलों पर किसी ने आंच डाली तो वो हमारे भगवान पर आंच डालेंगे। वही सोच बिरसा मुंडा की भी थी, और वो बाहरी प्रवेश वर्जित चाहते थे। अंग्रेज जब वहां गए तो उन्हें दिखा इतना बड़ा खनिज संपदा, अंग्रेज वहां खनन करने लगे, जंगलों की कटाई करने लगे, वहां से बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने लगे, और ये आदिवासियों को बर्दाश्त नहीं था। आइए बिरसा मुंडा के आंदोलन को समझते हैं। संघर्ष करना, लोगों को इकट्ठा करना, और भारत और झारखंड का महत्व समझाना बिरसा मुंडा ने 18 साल से ही लोगों को शुरू कर दिया था। अंग्रेजों की लूट खसूट करने से रोकना इनका मुख्य काम हो गया था, और लोगों को इकट्ठा करना, ये बताना कि भारतवासी हैं हम झारखंडवासी हैं, और झारखंड को बचाना कितना जरूरी है, और इस जंगल को, आदिवासी समाज को बताना कितना जरूरी है, ये बिरसा मुंडा लोगों को समझाना शुरू कर
कर दिए थे 1900 आते आते तक। आप समझिए इस समय तक बिरसा मुंडा आदिवासी लोगों में काफी प्रसिद्ध हो गए थे। वो लोगों को नए नए तरीके बताते थे, उपचार के तरीके बताते थे, ईसाई मशीनरियों से दूर करने के तरीके बताते थे। लोग जिसे देव महामारी कहते थे या देव प्रकोप कहते थे, ईसाई मशीनरी भी वही बताता था कि तुम गरीब क्यों हो, तुम्हारी वजह से जो है जो बीमारी आती है तुम लोगों को वो देव का प्रकोप है, तुम ईसाई धर्म में आ जाओ, इस तरह की बातें बताते थे। बिरसा उसे दूर रहने की बात बताते थे। चेचक हैजा आज भी देव प्रकोप में की श्रेणी में बहुत ज्यादा जगहों पर आता है, लेकिन उस समय बिरसा कहते थे इसका इलाज कैसे होगा और लोगों को इलाज करना बताते थे। और बिरसा के जहां चेचक होता था, हैजा होता था, बिरसा वहां पहुंचते थे और उन लोगों को इलाज करने की प्रक्रिया बताते थे। वो भी एक कारण था कि बिरसा बीमारियों को ठीक कर देते थे, इसलिए भी उन्हें भगवान कहा जाने लगा था। और ये बुद्धि एक आदिवासी समाज में पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी, जो क्योंकि ईसाई मशीनरी का स्कूल उन्होंने छोड़ दिया था, उतनी बुद्धि इन्हें आ गई थी, इसीलिए उन्हें भगवान कहा जाता था। चलिए ये अगला टॉपिक भी हो सकता है कभी। 1900 के आते आते तक बिरसा मुंडा क्षेत्र में मशहूर हो गए थे, लाखों हजारों लोग उनके साथ रहते थे। इसी साल जमींदारों के लगभग 90 से अधिक घर आदिवासियों ने जला दिए थे, क्योंकि उस समय जो जमींदार थे वो जमींदार आदिवासियों पे खूब जुल्म करते थे और जमींदारों का सीधा जो आशीर्वाद उनको रहता था वो अंग्रेजों का रहता था। लोकल स्तर पे आदिवासियों पर जो जुल्म करते थे वो जमींदार थे। उसी साल 90 से अधिक घरों को जमींदारों के जला दिया था। आदिवासियों का विद्रोह बिरसा ने इतना ज्यादा बढ़वा दिया था कि तब के कलेक्टर को उस समय सेना की मदद मांगनी पड़ गई थी। सेना ब्रिटिश सेना ही थी और ब्रिटिश सेना का आदिवासी समाज से और बिरसा मुंडा से सीधे सामना भी होता है। डोंबारी पहाड़ पे सेना और आदिवासियों की भिड़ंत होती है जिसमें बिरसा मुंडा भी मौजूद रहते हैं और इसमें 400 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। बिरसा मुंडा इतने मशहूर हो जाते हैं अंग्रेजों में कि एक व्यक्ति की वजह से 400 लोगों की जान गई, जिसमें कुछ अंग्रेज भी मारे जाते हैं, लेकिन अंग्रेज बताते हैं सिर्फ 11 लोगों की मौत हो गई। अभी भी सरकारों को आप देखते होंगे कहीं ट्रेन व्रेन लड़ता है तो वो बताते हैं बहुत कम हुई है, लेकिन असल लोग बताते हैं बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। ये आंकड़े छुपाने वाली आदत अंग्रेजों से के समय की है। तो अंग्रेज बताए थे 11 लोगों की मौत हुई, लेकिन आदिवासी बताते हैं कि 400 से अधिक आदिवासी मारे जाते हैं, जबकि आदिवासी भी बहुत सारे अंग्रेजों को घायल कर देते हैं और मार देते हैं। उस समय के बाद बिरसा मुंडा के ऊपर अंग्रेज सरकार उस समय 500 रुपए का इनाम रखती है। अब 500 रुपए का इनाम अब से 125 साल पहले की बात है। लगभग 500 की वैल्यू उस समय अगर कुछ नहीं होगी तो कम से कम 10 लाख रुपए, या आप इसे 50 लाख भी मान सकते हैं, 10 लाख तो होगी ही होगी। 125 साल पहले 500 रुपए की वैल्यू, अपने बाप दादा की जमीन जो पुरानी होती है अगर आप देखेंगे तो 200-250 रुपए में पूरी रजिस्ट्री होती है, 2-4 हजार स्क्वायर फीट की। तो आप समझिए कि 500 रुपए की वैल्यू कितनी ज्यादा होती होगी। अब उस जमीन की कीमत देखने जाएंगे तो करोड़ों में होगी। तो मैं जब आकलन कर रहा हूं तो 10 लाख के आसपास कर सकता, उस समय बिरसा पे 10 लाख का वो इनाम रखा जाता है। फिर बिरसा मुंडा की मुखबिरी हो जाती है। गांव का ही एक आदमी रहता है जो 500 रुपए के लालच में आ जाता है, सोचता है 500 रुपए इतनी बड़ी रकम है, अंग्रेज सरकार दे देगी, हमारा भविष्य सुधर जाएगा। वो मुखबिरी कर देता है। अंग्रेज पुलिस जो होती है वो चक्रधर के पास एक गांव घेर लेती है जहां पर बिरसा मुंडा को पकड़ लिया जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों की सेना ने जब गांव को पूरा घेर लिया था बंदूक से, बिरसा मुंडा एक झोपड़ी में मौजूद थे। जब झोपड़ी पर एक अंग्रेज लात मार और देखता है सामने बिरसा मुंडा, तो सब डर जाते हैं कि बिरसा कुछ करेंगे, कुछ हमला करेंगे, लेकिन बिरसा एकदम आराम से बैठ के ऐसे मुस्कुराते रहते हैं और उसके बाद से अपना दोनों हाथ आगे कर देते हैं कि मुझे जो है वो हथकड़ी पहनाओ। उसके बाद से बहुत बड़ी सेना, आज जैसे क्रिमिनल को, तमाम क्रिमिनल को आप देखते हैं ना कि पुलिस पकड़ के ले जाती है, उस समय एक बहुत बड़ी सेना एक घेराबंदी करती है और दूसरे रास्ते से बिरसा को जेल की तरफ ले जाता है जहां पर उनके मुकदमे की सुनवाई उसके अगले दिन होनी थी। और उसके बाद से मुकदमे की सुनवाई के लिए
कमिश्नर फोर्ब्स, उस समय फोर्ब्स थे कमिश्नर, ये आदेश देते हैं कि बिरसा को जो है वो सार्वजनिक रूप से ले जाएगा जाएगा पुलिस प्रोटेक्शन में। और उस समय बिरसा को उससे पहले मारा भी जाता है, उनके शरीर पे मारने के निशान, नंगे पैर ले जाया जाता है ताकि लोग, आदिवासी लोग देखें, और उसके बाद से आदिवासी लोगों के मन में एक डर आ जाए कि कोई भी अगर ऐसा करेगा तो उसकी सजा ऐसी ही होगी। और यही कमिश्नर फोर्ब्स का जो निर्णय रहता है वो उन्हीं पर भारी पड़ जाता है। लाखों की संख्या में भीड़ वहां पर इकट्ठा रहती है केवल बिरसा को देखने के लिए, और अंग्रेज पुलिस बंदूक लिए हुए बिरसा को ले जाते रहते हैं। और उस दिन अदालत में सुनवाई होती है, बिरसा के ऊपर लूट, दंगा करने और हत्या करने के 15 मामले दर्ज किए जाते हैं। बिरसा को सजा हो जाती है, बिरसा को एकांतवास में रखा जाता है, उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जाता है, उन्हें उनके साथ किसी से बात नहीं करने दिया जाता है, दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए सूरज देखने के लिए उन्हें बाहर निकाला जाता था। उसी में उन्हें बीमारी हो गई, और कहा जाए अंग्रेजों के हिसाब से बीमारी हो गई, लेकिन बिरसा समर्थक, बिरसा को मानने वाले लोग कहते हैं कि अंग्रेज ने उन्हें स्लो पॉइजन देना शुरू कर दिया था। जो अंग्रेजों के हिसाब से बताया जाता है उसमें यह कहा जाता है कि बिरसा को लगातार खून की उल्टियां होने लगी, उनका पेट फूल गया, और उसके बाद से उनकी मौत हो गई। बिरसा की जब मौत हुई थी तो वो दिन था 9 जून 1900 और 9 बजे बिरसा ने दम तोड़ दिया था, और उस समय उनकी उम्र थी मात्र 25 साल। 9 जून को शाम को जब शरीर का पोस्टमार्टम किया गया तो उनके शरीर में भारी मात्रा में पानी पाया गया, उनकी छोटी आंत पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण हैजा बताया जाता है, लेकिन उनके समर्थक ये कहते हैं कि बिरसा मुंडा को जहर देके अंग्रेजों ने मार दिया था, क्योंकि बिरसा अगर दोबारा आजाद होते तो शायद अंग्रेज, जो भारत 1947 में आजाद हुआ था वो और पहले आजाद होता जाता, क्योंकि एक बहुत बड़ा आदिवासी तबका, लाखों लोगों का आदिवासी तबका अब तक बिरसा को भगवान मानने लगा था। कुछ लोग तो ये भी लॉजिक देते हैं कि अगर बिरसा जीवित रहते तो शायद बिरसा गांधी से भी बड़ा कद पा लेते और गांधी से बड़े आंदोलनकारी के समय उस समय उभरते। खैर आज की डेट में बिरसा भगवान है, गांधी जी की भी एक अलग इमेज है, लेकिन उस समय के विश्लेषण से अगर देखा जाए तो कुछ लोगों का मानना यही है। बिरसा अपने अंतिम समयों में कहते हैं, जो उनके बारे में कहा जाता है, कि मैं एक सिर्फ एक शरीर नहीं हूं, मैं मर नहीं सकता, उल गुलान जारी रहेगा। उल गुलान बिरसा का आंदोलन था, और वो हमेशा उल गुलान उल गुलान उल गुलान करते रहते थे, जैसे एक वंदे मातरम भारत माता की जय, उसी तरह बिरसा का जो नारा था वो उल गुलान का था। मौत के 8 साल के बाद छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट पारित किया गया, और जिसमें प्रावधान किया गया कि आदिवासियों की भूमि गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। इसी का आंदोलन बिरसा ने शुरू किया था, और उन वो शहीद हो गए थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके जीवित जीते जी तो ये एक्ट नहीं आया, लेकिन उनके मृत्यु के 8 साल के बाद ये एक्ट आया, और ये एक्ट आज तक है कि आदिवासियों की जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। आप समझ रहे हैं, ये बिरसा का आंदोलन था, और उसके बाद से आज तक आदिवासियों को उसका फायदा मिलता है। अब समझिए, यही कारण था बिरसा के भगवान बनने का, कि 25 साल की ही उम्र में अद्भुत ज्ञान, अलौकिक शक्तियां और लोगों के नेतृत्व करने की क्षमता इतनी अधिक विकसित हो गई थी कि इतना बड़ा उन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया, जिससे अंग्रेज सरकार के दांत उस समय खट्टे हो गए, और बाद में उन्हें बहुत बड़ा एक्ट पारित करना पड़ा, क्योंकि सबसे अधिक अगर अंग्रेजों की जमीन चाहिए थी तो वो झारखंड में चाहिए थी, वहीं से सारे खदान को खोदना था, अपने देश ले जाना था या बेचना था, लेकिन अब अंग्रेजों की जमीन को, आदिवासियों की जमीन को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं खरीद सकता, यह एक्ट भी अंग्रेजों ने ही 1908 में पारित कर दिया। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। बिरसा मुंडा को जन्म लिए हुए 150 साल हो गए, उनको धरती से गए 125 साल हो गए, आज उन्हें सब लोग भगवान कहते हैं, और कहना भी चाहिए, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है, उनका शोक दिवस मनाया जाता है, और लोगों को उस समय यही संदेश दिया जाता है कि बिरसा मुंडा से बहुत कुछ सीखना चाहिए। लेकिन अगर आप किताबों में इसके लिए पढ़ना चाहेंगे, किताबों में इसके बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ना चाहेंगे,
तो आपको बहुत सारा नॉलेज नहीं मिलेगा, बहुत सारी बातें नहीं मिलेंगी। इसके पीछे कारण है, बहुत सारे कथित बुद्धिजीवियों को ये लगता था कि कोई आदिवासी, कोई निचली जाति, ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन निचली जाति का व्यक्ति उन्हें ज्ञान और सबक नहीं दे सकता। इसीलिए शायद बहुत किताबों में, पाठ्यक्रम में बिरसा मुंडा जैसे सब्जेक्ट को पीछे रख दिया जाता है। लेकिन अब चूंकि इंटरनेट का जमाना है, अब ऐसा समय है कि लोग बिरसा मुंडा के बारे में बता रहे हैं, और जब बिरसा मुंडा के बारे में बता रहे हैं तो आदिवासी ही नहीं, देश के तमाम वो बुद्धिजीवी, देश के वो तमाम लोग जो समान विचारधारा पर विश्वास रखते हैं, वो बिरसा मुंडा से सीख रहे हैं कि 25 साल में अगर आप अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको बिरसा मुंडा से बड़ा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा, घंटी भी बता दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो मिलती रहे। फेसबुक पर देख रहे हैं तो कॉमेंट जरूर करिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।